हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में से सम नंबर 18, 19 एंड 20। तो स्टार्टिंग करते हैं सम नंबर 18 से, जिसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें यहाँ स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम है वो है 24। इसी तरह से सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का जो सम है वो है 44। तो इसका यूज़ करके हमें उस एपी की पहली तीन टर्म्स को, यानी कि A1, A2, A3 को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि फोर्थ एंड एट्थ टर्म का जो सम हमें गिवन है 24, तो इसके लिए A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। A4 को ओपन करके हम लिख सकते हैं A प्लस 3D एंड A8 को ओपन करके हम लिख सकते हैं A प्लस 7D, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 24। इसके बाद A प्लस A यानी कि 2A एंड 3D प्लस 7D, ये हो जाएगा 10D। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमें इसमें गिवन है कि सिक्स टर्म और टेंथ टर्म्स का जो सम है वो है 44, यानी कि A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। अब हम यहाँ पर A6 को ओपन करके लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को ओपन करके लिख सकते हैं A प्लस 9D। फिर A प्लस A दैट इज़ 2A एंड 5D प्लस 9D, ये हो जाएगा 14D, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इनको हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सोल्व करेंगे और यहाँ से A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इनको सोल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में से। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिखा है इक्वेशन 2 को, उसके बाद हमने लिख दिया है इक्वेशन 1 को। अब हम इक्वेशन 1 की सभी टर्म्स के साइन को चेंज करेंगे, और इसके बाद जब इसको सोल्व किया जाएगा तो 2A-2A ही कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 14D-10D, तो ये बचेगा 4D। इसके बाद 44-24, तो ये हो जाएगा 20। फिर जब हम 4 को 20 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 20 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो 5 है। अब इस डी को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, हमने यहाँ पर डी की जगह पर पुट किया है 5 को, देन 5 × 10 इज़ 50, और ये 50 राइट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में। तो 24-50 इज़ -26। इसके बाद हम 2 को -26 के डिवाइड में लेकर जाएंगे, तो -26 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा -13, यानी कि हमने A की वैल्यू को और D की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें इस AP की पहली तीन टर्म्स को फाइंड आउट करना है, तो जिनमें से फर्स्ट टर्म जो है वो तो यही है -13, तो हम लिख देंगे A1 इक्वल्स टू -13। देन सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म यानी कि -13 और इसमें डी यानी कि 5 को ऐड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8। फिर इसकी थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में डी को ऐड करेंगे, तो सेकेंड टर्म यानी कि -8 और इसमें डी ऐड किया यानी कि 5, तो -8 + 5 = -3। तो इस तरह से एपी की पहली तीन टर्म्स हैं -13, -8 एंड -3। इसके बाद सम नंबर 19। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। कि कोई पर्सन है जिसने 1995 में एक जॉब स्टार्ट की है, काम करना स्टार्ट किया है, और उस टाइम पर उसकी जो एनुअल सैलरी है यानी कि एक साल की जो इनकम है वो है ₹5000। और साथ ही हमें ये गिवन है कि ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2000 ईच ईयर। उसकी सैलरी में हर साल ₹200 का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि अगर पहले साल में उसकी सैलरी है ₹5000, तो अगले साल में इंक्रीमेंट होकर उसकी सैलरी हो जाएगी 5200। इसी तरह से तीसरे साल में जो उसकी सैलरी है वो हो जाएगी 5400, और इस तरह से उसकी सैलरी हर साल ₹200 इंक्रीज़ होती रहेगी। हमें ये बताना है कि अगर उसकी सैलरी इसी तरह से इंक्रीज़ होती रहे, देन इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो हमें ये बताना है कि किस साल में उसकी जो इनकम है वो ₹7000 हो जाएगी।
तो स्टार्टिंग उसने की है 5,000 रुपये से, इंक्रीमेंट है 200 रुपीज़ का, और हमें ये बताना है कि किस साल में उसकी इनकम 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो उसकी इनिशियल सैलरी है यानी कि स्टार्टिंग की जो उसकी सैलरी है वो है 5,000 रुपीज़, इंक्रीमेंट है रुपीज़ 200 का, तो जो 7,000 रुपीज़ उसकी सैलरी हो जाएगी बाद में, हम ये मानकर चलेंगे कि उसकी जो 7,000 रुपीज़ सैलरी है वो nth ईयर में है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी, तो हम ये मानकर चलेंगे कि n साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी, और इस तरह से हम ये जो 7,000 रुपीज़ है इसको an के इक्वल लेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो 5,000 से स्टार्ट होती है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हो जाएगी 5,200, फिर थर्ड ईयर में हो जाएगी 5,400, और इसी तरह से इंक्रीज़ होते हुए उसकी सैलरी किसी साल में 7,000 रुपये हो जाएगी, और हमें यही बताना है कि जो 7,000 रुपये सैलरी है ये कितने साल में होगी, तो इसलिए हम इसको मानकर चल रहे हैं ए एन। अब हम यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, यानी कि उस पर्सन की इनिशियल सैलरी, कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी 5,000 रुपये, तो हमने यहाँ पर ए की जगह 5,000 रुपये को पुट कर दिया है। फिर हम डी की जगह पर पुट करेंगे कॉमन डिफरेंस को, तो हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि 200 रुपये इंक्रीज़ हो रही है उसकी सैलरी एवरी ईयर, तो यहाँ पर डी की जगह हम पुट कर देंगे 200, और राइट हैंड साइड में हमने लिखा है 7,000 को, तो 200 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 200n, एंड इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 200। इसके बाद इस 200n को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, और 5,000 में से 200 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,800। इसके बाद हम इसको लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2,200। अब इस 200 को हम राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर जाएंगे, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इनको डिवाइड करके हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 11। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 11th ईयर में यानी कि 11वें साल में जो उसकी सैलरी है वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। इसके बाद सम नंबर 20, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, रामकली सेव्ड रुपीज़ 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय रुपीज़ 1.75। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई लेडी है जो हर वीक 5 रुपीज़ की सेविंग करती है, और हर वीक वो अपनी सेविंग्स में रुपीज़ 1.75 का इंक्रीमेंट भी करती है। जैसे कि अगर पहले वीक में उसने 5 रुपीज़ सेव किए, तो नेक्स्ट वीक जब वो सेविंग्स करेगी तो उसमें 1.75 एक्स्ट्रा सेव करेगी, तो इस तरह से सेकंड वीक की उसकी जो सेविंग है वो हो जाएगी 6.75 रुपीज़। तो हमें ये बताना है कि अगर उसकी वीकली सेविंग nth वीक में यानी कि n वीक के बाद उसकी अगर वीकली सेविंग 20.75 रुपीज़ है, तो इस n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि उसकी जो वीकली सेविंग है इसी तरह से इंक्रीज़ होते हुए किसी वीक के बाद 20.75 रुपीज़ हो गई है, और हमें यही बताना है कि कौन से वीक में उसकी वीकली सेविंग 20.75 रुपीज़ है। तो सम नंबर 19 की तरह से ही हम इसको भी सोल्व करेंगे, और यहाँ पर जो 5 है इसको हम मानकर चलेंगे फर्स्ट टर्म, उसके बाद जो इनका डिफरेंस है यानी कि 1.75 इसको हम मानकर चलेंगे कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, और जो 20.75 है इसको हम लेट करके चलेंगे ए एन, और उसके बाद हम यहाँ पर एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनिशियल सेविंग रुपीज़ 5, सेविंग्स में जो इंक्रीमेंट उसने किया है वो है रुपीज़ 1.75, तो 20.75 रुपीज़ को हम ये लेट करके चलेंगे कि ये ए एन के इक्वल है। अब यहाँ पर हम ए एन का फॉर्मूला ओपन करेंगे, दैट इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर ए की जगह हम पुट करेंगे उसकी इनिशियल सेविंग को यानी कि 5 रुपीज़ को, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की जगह पर हम पुट करेंगे उसके इंक्रीमेंट, दैट इज़ 1.75, और इसके बाद हम इस 5 को लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 15.75,
और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हम इस तरह से लिखेंगे कि 20.75, और इसके नीचे जब इस 5 को हम लिखेंगे तो इस 5 को हम ऐसे लिखेंगे कि 5.00, और तब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा 15.75 जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद इस 1.75 को इस 15.75 के डिवाइड में हम लेकर जाएंगे इस तरह से, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा 9 पर। अब इसके बाद n माइनस 1 की वैल्यू है 9 के इक्वल, तो ये जो माइनस 1 है ये हम इधर लेकर आएंगे प्लस में, तो 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो हम कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो 10 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हैंस हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 इन 10th वीक। तो ये थी एक्सरसाइज 5.2 जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।